हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बुलसाई नीट 2021 सेशन नंबर 19 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लैक द यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास में ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो न्यूक्लियस होता है वो तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ओके, एंड इनसाइड द न्यूक्लियस क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं इसी के रेस्पेक्ट में, तो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है उसी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो निकली हुई रहती है। तो ये भी मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेन है, दोनों डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं है, यूनिट मेम्ब्रेन की हम बात करें, लैक ऑफ द यूनिट मेम्ब्रेन। थर्ड वन इज द राइबोसोम एंड न्यूक्लियोलस। सपोज ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है बेटा, साइटोप्लाज्म है। एंड साइटोप्लाज्म के अंदर कौन प्रेजेंट है? राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन लेस होते हैं। राइबोसोम्स कैसे होंगे? मेम्ब्रेन लेस होंगे। और न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये भी कैसी होगी? मेम्ब्रेन लेस होगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाता है वो राइबोसोम एंड न्यूक्लियोलस जाता है। और यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है, गोल्जी, गोल्जी से ही क्या बनते हैं? लाइसोसोम। वो भी उनके अंदर भी यूनिट मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि कवर्ड रहते हैं एक मेम्ब्रेन से। तो बेटा ये तीनों के तीनों ही आंसर यहाँ पे नहीं होंगे। हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन की हमने बात की आज के सेशन की, अब बेटा अपन बढ़ते हैं, यानी इसका आंसर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर वन का आंसर नंबर थ्री, थर्ड आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आज के सेशन के हम नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने किए होंगे क्वेश्चंस। एंड आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज। अब फंक्शनल यूनिट की बात कर रहा है कि क्लोरोप्लास्ट की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है। तो बेटा ये कुछ ऐसा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। कुछ ऐसा ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कुछ ऐसे इसके अंदर कौन है? थाइलेकोइड्स का अरेंजमेंट है जो ग्रेनम बनाते हैं। ये फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा लेमिली के साथ में एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन की, तो यहाँ पे ये क्या है? थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर है, थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर है। एंड थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर के अंदर कुछ पैकेट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे पैकेट्स होते हैं। इन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? ये जो कुछ पैकेट्स होते हैं इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में, तो इन पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटाजोम। क्वांटाजोम ठीक है, फंक्शनल यूनिट है क्वांटाजोम। और इस क्वांटाजोम्स के अंदर क्या फिलअप रहता है? इन क्वांटाजोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। क्वांटाजोम कंटेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ठीक है। एक क्वांटाजोम के अंदर, इवन इन सिंगल क्वांटाजोम, वन क्वांटाजोम कितने होंगे? 230 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल, 230 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल। एक क्वांटाजोम के अंदर कितने मॉलिक्यूल फिलअप होंगे? 230 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल। तो यहाँ पर अपन ऑप्शंस की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन रन करती है, जहाँ पे डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हम बात करते हैं क्वांटाजोम की। सो क्वांटाजोम इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, क्योंकि लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। कौन? क्वांटाजोम्स, जिनके अंदर क्या है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, यानी ये पैकेट्स होते हैं एक तरीके से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के। एंड नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीजोम्स, F0, F1 पार्टिकल, दीज आर प्रेजेंट इन साइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके पास में क्या होता है? ATP सिंथेसाइजिंग एंजाइम होता है। तो ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लास्ट वन इज द परोक्सीजोम्स। परोक्सीजोम्स भी नहीं है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थोड़े ना परोक्सीजोम होगा। तो सीधी सी बात है,
इस क्वेश्चन का जो आंसर है, करेक्ट आंसर इज द आंसर नंबर सेकंड, आंसर नंबर सेकंड। ठीक है, कम्युनिटी पेज के ऊपर अपलोड होने वाले सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करने हैं कंटिन्यूअसली, एंड नेक्स्ट डे हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप कंटिन्यूअस अपने इन क्वेश्चंस को आंसर देते रहें और अगले दिन आपको उसका सॉल्यूशन मिलता रहेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।